नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज का दिन बहुत खास है, जी हाँ, क्योंकि आज स्वर्णिम इतिहास जो हम रचने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। साउथ पोल पर सबसे पहले उतरेगा चंद्रयान 3। तो पीएम मोदी भी लैंडिंग कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे। देखिए, साउथ पोल पर सबसे पहले चंद्रयान 3 उतरेगा। इधर पीएम मोदी भी बहुत उत्साहित हैं। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं अफ्रीका, लेकिन इसी के साथ साथ उनका मन जो है वह भारत में ही लगा हुआ है। तो चंद्रमा 3 आज चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान। शाम 6:04 पर यह सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है, उससे पहले आज तक किसी भी देश का चंद्रयान नहीं उतरा है। देखिए, चांद पर जय हो। सबसे पहले साउथ पोल पर हमारा ये चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है। लूना 25 किस तरीके से फेल हुआ, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आज का दिन बेहद खास, बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो चला है क्योंकि आज इतिहास भारत रचेगा और इसका साक्षी बनेगा पूरा देश, पूरा संसार जो टकटकी लगाए भारत की ओर देख रहा है। तो जल्द ही इंतजार खत्म हो जाएगा। तो लूना 25 जिस तरीके से फेल हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, वो दिक्कतें भी हमने आपको बताई थी कि आखिरकार क्या कुछ दिक्कतों के चलते लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने वाला था, लेकिन दिशा दशा दोनों ही भटक गया। इसके बाद वो मिशन पूरी तरीके से फेल हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 फेल ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लैंडिंग सही रही तो यकीन मानिए कि अपने आप में इतिहास हो जाएगा। तो समय बहुत कम रह गया है, सभी की निगाहें हैं और तो चंद्रयान 3 आपको बता दें कि आज साफ तौर पर लैंड करने जा रहा है। हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मिशन में कई बदलाव भी किए गए हैं। सुरक्षित लैंडिंग पर 80% बदलाव हुए हैं। चंद्रयान 3 में कई चीजें शामिल की गई हैं। पहले ये उतरते वक्त सिर्फ ऊंचाई देखता था, अब इसमें एक वेलोसिटी मीटर से भी जोड़ा गया है। अब इससे ऊंचाई और वेग का पता चल पाएगा, यानी कि कई बदलाव किए गए हैं और तमाम चीज़ें न्यूज इंडिया आपको एक एक कर चंद्रयान 3 के बारे में समझा रहा है। तो इतिहास बनाने में अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेगा। इस लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन 15 मिनट में क्या क्या होगा, चलिए ये समझने की आज हम कोशिश करते हैं। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में आखिरकार क्या होगा, आसान भाषा में समझें तो आपने विमान को धरती पर उतरते देखा होगा। याद कीजिए, विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे सरकता है और रनवे पर उतरता है, लेकिन धरती और चंद्रमा पर लैंड करना बिल्कुल अलग है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसीलिए चंद्रमा जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, एक लंबी गोलाकार ऑर्बिट में चंद्रमा के आगे और चक्कर काट रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में लाने के लिए अपने बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगता है। जब ये गिरने लगता है तब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में करीब 1.3 सेकंड का वक्त लगता है।
उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में भी 1.3 सेकंड का वक्त लगता है, मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर पहुंचने वाले लैंडर को काबू करने में 2.5 सेकंड का वक्त लगेगा। इस अतिरिक्त वक्त के कारण ही लैंडर को बनाया जाता है कि लैंडर अपने फैसले खुद लेता है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है। थोड़ी देर बाद इसमें लगा रैंप भी खुल जाएगा। इसके जरिए रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहां से लेकर तस्वीरें लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजा जाएगा। साइंटिफिक प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वर ने बताया है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने की 15 मिनट की प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी की जाएगी। चलिए बारी बारी से वो 8 चरण भी हम आपको लगातार समझाएंगे, बताएंगे। पहला देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वह 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरे ना उतर पाए। फिर गति को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। जब लैंडर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसकी गति बहुत अधिक होती है। उसी गति को कंट्रोल करते हुए ये चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहां पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लगेगा। इसे पहला कदम कहा जा सकता है। लगभग 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई से ये चरण दर चरण यानी कि 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतरता है। तब तक लैंडर के पैर जो कि हॉरिजेंटल थे चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री घूमेंगे। फिर लैंडर पर लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उस स्थान पर जा रहा है जहां इसे उतरना है या नहीं। तीसरा चरण होगा लैंडर को 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई में उतारना। इस सतह पर लैंडर 50 डिग्री के हॉरिजेंटल एंगल पर चंद्रमा की सतह पर सीधा हो जाएगा। इसके अलावा रॉकेट की गति भी कम हो जाएगी। यहाँ से चौथे चरण में 150 मीटर की ऊंचाई तक चंद्रयान उतरेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर ये सुनिश्चित करेगा कि लैंडर साइट की पूरी तरह से समतल हो। वहाँ से पांचवें चरण में 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे उतरेगा। यहाँ पहुँचने पर लैंडर की स्पीड और कम हो जाएगी। छठे चरण की बात करते हैं, ऊंचाई 60 मीटर से बढ़कर 10 मीटर होगी। इतना ही नहीं, इस बार इसरो ने लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नाम का एक नया उपकरण भी जोड़ा है जो चंद्रमा की सतह पर लेजर पल्स को भेजेगा। ये वापस उस तक पहुंच जाएगा तो ये पल पल का हिसाब लगाता रहेगा कि ये कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। लैंडर में एक कंप्यूटर आवश्यक गति से लैंडिंग का ध्यान रखता है। छठे चरण की बात करते हैं, इसे 60 से 10 मीटर की ऊंचाई पर लाना है। इसका अगला कदम होगा 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इस स्तर पर रॉकेट जलना बंद कर देते हैं। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर लैंडर मॉड्यूल की गति 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि अंतिम चरण 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। यहां तक कि अगर कोई तकनीकी खराबी होती भी है तो लैंडर 100 मीटर प्रति गति से गिरता है तो भी उपकरण के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है कि वे काम करते रहें। तो लैंडर को 800 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 4.5 मिनट का वक्त लगता है। इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद रैंप खुलेगा, रोवर प्रज्ञान बाहर आता है और चंद्रमा पर उतरता है। ये लैंडर की तस्वीरें लेता है और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजता है। ये होता है 8वां चरण। यहां से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के साउथ पोल पर शोध करेंगे। चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान नाकाम हो गया था, इसीलिए ऐसी विफलताओं से बचने के लिए ही चंद्रयान 3 बेहतर तकनीक से लैस किया गया। ये लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद करेगा। इसमें लैंडर मॉड्यूल में स्थापित 7 मुख्य टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई हैं। जिसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर के इंजन फेल होने या कुछ सेंसर काम नहीं करने की स्थिति में भी सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए चांद पर जय हो ये आज निश्चित ही है।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ अन्य संवाददाता का भी हम रुख करेंगे। दीपक देखिए, विवेक तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक देखिए, माहौल देखिए, आज का दिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हम इतिहास रचने वाले हैं। इस वक्त लोगों में कैसी खुशी है, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज हम इतिहास रचने वाले हैं और हर भारतीयों को आज गर्व है। जिस तरह से ये ऑपरेशन संग्राम सफल हो उसकी दुआएं मांगी जा रही है। हमारे साथ जयपुर के कुछ लोग हैं, आप आपका नाम बताए कि उनके कैसा लग रहा है कि आज हम इतिहास रचने वाले हैं। मेरा नाम सचिन माथुर है और बहुत ही अच्छा दिन है आज का। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन जाने वाले हैं, के लिए भी काफी अच्छा दिन है। दोनों की बहुत ही मैंने उन्हें मंदिर जाकर भी आया था, अभी मैंने करी है। और सबसे अच्छी बात ये है, आप ये देखिए 140 करोड़। चलिए विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक थोड़ी आपकी आवाज़ को हम दुरुस्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं, विवेक जी का रुख कर लेते हैं सभी। विवेक जी देखिए, आज का दिन बहुत खास है, जैसे हम दीपक से ही पूछ रहे थे, लोग बहुत उत्साहित हैं। आप क्या तस्वीरें लखनऊ से हमें दिखा पाएंगे? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कल ही ये निर्देश जारी कर दिए गए थे कि चाहे वो परिषदीय सरकारी स्कूल हों, चाहे जो भी स्कूल हैं सरकारी या गैर सरकारी, वो सभी आज अपने बच्चों को शाम को बुलाएंगे 5 बजे और स्पेशल स्क्रीनिंग चंद्रयान 3 की लैंडिंग की वो बच्चों के बीच बैठ के देखेंगे, चाहे तो उनके अभिभावक भी आ सकते हैं। मदरसों में भी इसी तरह का प्रबंध किया गया है, नक्षत्रशालाएँ जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ भी एक स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को। जब शाम को ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा, मंदिरों में हवन हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, मस्जिदों में दुआएँ हो रही हैं। मैं इस वक्त राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ में हूँ और यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग शाम को रखी गई है। हमारे साथ टीचर्स हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते भी हैं कि आज के दिन को लेकर कितना उत्साहित हैं। एक बड़ी उपलब्धि आज भारतवर्ष हासिल करेगा, ईश्वर ने चाहा, अगर कोई इफ बट नहीं हुआ तो। आप कैसा महसूस करती हैं एक भारत के नागरिक के तौर पर? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अगर इसकी लैंडिंग सफल हो जाती है तो विश्व में हमारा बहुत ही नाम होगा और हमारे बच्चे और सारे शिक्षक या क्या कहें, भारतवर्ष का हर एक नागरिक आज बहुत एक्साइटेड है कि ये जो हमारा मिशन है ये सफल हो। आप बताएं कि किस तरह की तैयारी आज बच्चों के लिए की जा रही है? सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि वो इतना बड़ा मिशन को आज सक्सेसफुल बनाने के एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनका मॉरल बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारे विद्यालय के सारे स्टाफ, पूरा परिवार हमारा और हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हमने आज प्रार्थना सभा में उनको चंद्रयान मिशन के बारे में बताया और आज शाम को हम उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे बच्चों को और हम सब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी दुआओं में वो ताकत होगी और हमारे वैज्ञानिकों का ये अभियान सफल होगा, हम चंद्रमा पे पहुंचेंगे और वो पहले देश बनेंगे जो साउथ पोल पे अपने चंद्रयान मिशन के जरिए अपने इस अभियान को सफल करने में सक्षम हो। तो ये आप उत्साह शिक्षिकाओं को देख सकते हैं, इसी तरह का उत्साह बच्चों में भी है। हालांकि अभी वो पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस समय उत्साह में डूबा हुआ है। सबके लबों पर यही दुआएँ हैं, प्रार्थनाएँ हैं कि हमारा आज का मिशन कामयाब हो जाए। जो पहला मिशन था चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, जो भी उसमें चूकें हुई उसको दुरुस्त किया गया है इस बार। तो बहुत सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने इस अभियान से हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि आज हमारा मिशन कामयाब हो और दुनिया में हम अपना एक मजबूत हस्ताक्षर आज पेश करें चंद्रयान को लेकर के, अंतरिक्ष के मिशन को लेकर के। बिल्कुल विवेक जी, और दिख भी रहा है लोग, जिस तरीके से आप टीचर से भी बात करे थे कि एक उम्मीद भी है, एक खुशी भी है और दुआएं, जी हाँ दुआएं सबसे मुख्य हो जाती हैं, दुआएं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि देश नहीं दुनिया में भी हवन पूजन किया जा रहा है कि किसी भी तरह से चंद्रयान 3 सफल हो। विवेक आपका एक बार फिर से, दीपक आपका रुख करती हूँ मैं यहाँ पर, जिस तरीके से टीचर्स को भी देखा आपने, उत्तर प्रदेश में स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी गई है, कहा गया है कि शाम को 5 बजे सभी स्कूल्स ये व्यवस्था करें कि अपने बच्चों को बुलाएं और वहाँ चंद्रयान के लैंडिंग की आपको तस्वीरें दिखाएं, तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ है? और इसके अलावा पूजन पाठ का जो दौर चल पड़ा है उसकी क्या झलकियाँ आपने देखी दीपक? देखिए बिल्कुल, जयपुर के अंदर भी पूजा पाठ का जो है वो सिलसिला जारी है और कुछ युवक है जो कि बता रहे, सचिन आपका नाम है, आप मंदिर गए क्या, दुआ मांग क्या है? मैं मंदिर
मिशन गया था, मैंने दुआ मांगी थी कि आज कपड़ा जो है ऐतिहासिक दिन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इस तरह से देखें, आज जो द्वारका देख रहे हैं, गणपति बाबा का देख रहे हैं, गणपति बाबा मौर्या, और इससे अच्छी बात क्या होगी, अपन एक याद में जा रहे हैं। शाम को 6:04 पे मेरी सबकी एक बेटी है वो स्कूल गई है, उससे भी मुझे बोला है पापा स्कूल से आने के बाद हमने अपनी टीवी देखी है, हमने एक बहुत अच्छा एक आयोजन का प्रोग्राम किया है सफलतापूर्वक। जब शाम को 6:04 पे जब इसका आयोजन होगा, जब वहाँ से न्यूज आएगी कि हम पूरे लैंड कर चुके हैं, मैंने 2 किलो लड्डू का भी ऑर्डर किया है, हमारे परिवार वाले कॉलोनी वाले दोस्त यार 2 किलो लड्डू का भी हमने प्रस्ताव दिया है, और इसको हम बहुत उत्साहित के साथ देखेंगे। इवन हमने पटाखों का भी बंदोबस्त किया हुआ है कि हम बहुत उत्साहित है इन चीजों को। बिल्कुल कुछ और भी जी, और कुछ और भी है, उनसे भी सवाल पूछेंगे। लड्डुओं का ऑर्डर कर दिया, आप किस तरह से भारत को देखते हैं, भारत तेजी से पूरे विश्व में अपना परचम ढंग का अपना लहरा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज का दिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से अभी हमने देखा है रूस का अभियान 20 मई हो गया है, लेकिन हम ये 140 करोड़ भारतीय आज दुआ कर रहे हैं घरों में और मंदिरों में जाकर कि आज हमारा अभियान पूरा हो और भारत का तिरंगा आज चांद पर भी फहराएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूत एक विकसित देश था, लेकिन अब भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है और धीरे धीरे भारत को अब विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन ऐतिहासिक है। बिल्कुल दीपक, देखिए दीपक और विवेक आपके पास वापस आऊंगी, मैं रुख करूंगी। इस बीच देखिए देश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से चंद्रयान 3 सफल हो जाए, लगातार पूजा पाठ की जा रही है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश की भी हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए वो तस्वीर देखिए, महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना का दौर चला है उज्जैन। जी हाँ, महाकाल के मंदिर में ये पूजा की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। आज विशेष पूजा का आयोजन रखा गया। इधर अयोध्या की तस्वीर देखिए, अयोध्या में भी संत महात्मा पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञोपवीत हवन हो रहा है और एक ही मंशा, एक ही मनोकामना कि आज हमारा देश इतिहास रचे। इसी के साथ साथ माँ गंगा की आरती, चूंकि हमेशा ही माँ गंगा की आरती दिन में 2 वक्त होती है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन इस बार की आरती बेहद खास इसलिए हो चली है क्योंकि इस आरती में एक मनोकामना है, एक मनोकामना है कि भारत आज इतिहास रचे। एक अलग ही आयोजन यहाँ पर वाराणसी में किया गया है। देखिए साधु संत पूजा अर्चना कर रहे हैं, ऋषिकेश का भी वही भव्य नजारा। देखिए आरती की तस्वीर तो हमेशा ही आती है गंगा के घाट पे, लेकिन हम वही बता रहे हैं आपको कि आज की आरती विशेष इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज मनोकामना भी बड़ी है। मनोकामना ये है कि आज देश का मस्तक पूरी दुनिया के सामने और भी ऊंचा हो जाएगा, आज हम कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ न सिर्फ मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बल्कि देखिए लखनऊ से गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती हुई ये खूबसूरत तस्वीर है मदरसे की, जहां पर मस्जिद में भी दुआ मांगी गई है और सब ये चाह रहे हैं कि एक ही मनोकामना चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो। देखिए अब आपको हम दिखा रहे हैं विदेश की तस्वीरें, वर्जीनिया की तस्वीर देखिए, पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ साथ अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीरें, जहां पर हाथों को बांधे हुए खड़े हुए हैं। और विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। देखिए विवेक जी, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें देश से विदेश से आ रही हैं और एक अद्भुत तस्वीर भी सामने आई है लखनऊ से आपके द्वारा भेजी गई, जहां पर मस्जिद में भी प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। गंगा जमुना तहजीब का जो इतने बड़ा अनूठा उदाहरण और क्या होगा हमारे देश का? बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो मंत्री हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मोहसिन रजा, वो भी गए थे एक मस्जिद में, एक दरगाह में उन्होंने चादर पोशी करी है। और आज खाली सरकारी मदरसे नहीं बल्कि जो गैर सरकारी मदरसे हैं, प्राइवेट मदरसे हैं, वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है, वहाँ पर भी दुआएँ पढ़ी गई हैं आज के दिन कि हमारा जो अभियान है वो सफल हो। देखिए ये अभियान इस लिहाज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो दो पहले अभियान हैं जिनमें चूक हो गई, जो फेल हो गए थे, बावजूद इसके हमारे वैज्ञानिकों ने उसी चंद्रमा के उसी क्षेत्र में इस मिशन को लैंड करने की तैयारी की है, यानी कि वो पहले की असफलताओं से बिल्कुल डिगे नहीं है। मैं यहाँ पर एक कोट देख पा रहा हूँ, ये लिखा है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट इज़ डन, यानी कि जब तक कामयाबी नहीं मिले
तब तक कोई चीज़ मुश्किल मुश्किल होती है। हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, इनसे भी पूछते हैं, आप बताएं कि आज किस तरह की तैयारी आपके यहाँ है बच्चों में, और आप लोगों ने ब्रीफ किया होगा आज सुबह, तो बच्चों में उत्साह किस तरह का देखने को मिल रहा है? हमने बच्चों को आज प्रार्थना स्थल पे फिर से बताया, 14 जुलाई को ये प्रक्षेपित हुआ था तब भी उन्हें बताया गया था, और आज तो भारत के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम पूरा टीचिंग स्टाफ, बच्चे और मेरा ख्याल है पूरे देश के नागरिक उत्साहित हैं, और हम सभी दुआ कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने तो अपनी पूरी मेहनत की है, और हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा देश का ये जो मिशन है चंद्रयान 3 ये सफल हो, और हम भारत को दुनिया के उन 3 देशों के बराबरी में ला पाएं जो अमेरिका, चीन और रूस इससे पहले सफल हो चुके हैं इस क्षेत्र में। आप बताएं मैम कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर? चलिए विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और चंद्रयान 3 पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच बड़ी खबर है झारखंड से, झारखंड में ईडी की छापामार कार्रवाई हुई है, करीब 20 जगहों पर ईडी का रेड हुई है, मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर ईडी ने छापा मारा है शराब घोटाले को लेकर, बड़ी खबर है ये छापामार कार्रवाई हुई है। अली शरर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, अली जी जरा जानकारी दीजिए क्या पूरा मामला? देखिए बिल्कुल बताएं आपको कि ईडी की आज सुबह से छापेमारी जारी है, 20 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है, और ये शराब के कथित घोटाले के मामले के संबंध में जो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया गया उसी विषय में छापेमारी जारी है, और जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं उनके बेटे राहुल के आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके तार सीधे जुड़ते पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में भी टीम छापेमारी कर रही है। चलिए देखिए 20 जगहों पर ईडी की इस वक्त रेड हो रही है, बहुत शुक्रिया रही आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, फॉर लौटेंगे कहीं मचाइए।